हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फिटर ज्ञान बाई सतीश सर मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं हमारी एक एमसीक्यू क्लास में आज हम शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि पूछा गया है ये क्वेश्चन आ चुके हैं या प्रीवियस ईयर का एक जो है क्वेश्चन uh, पेपर है इसे हम सॉल्व करेंगे इसमें फिफ्टी क्वेश्चन हैं और 50 क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे पहले पार्ट में 25 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बुकलेट सीरीज ए है और इसमें जो सेमेस्टर फर्स्ट का है ये क्वेश्चन पेपर चलिए शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन है हमारा वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी टी सी तो सी का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि सी का फुल फॉर्म क्या होता है तो ऑप्शन ए कार्बन टेट्रा क्लोराइड ऑप्शन बी कार्बन टिन क्लोराइड ऑप्शन सी कैल्शियम टेट्रा क्लोराइड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जब मैंने सेफ्टी प्रिकॉशन चैप्टर पढ़ाया था तो सेफ्टी प्रिकॉशन चैप्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई जो आग होती है जो टाइप डी में आती है और उसे बुझाने के लिए जो सी टी सी फायर स्टिंग यूसर का प्रयोग होता है तो सी टी सी का फुल फॉर्म उस समय मैंने बताया था तो सी टी सी का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो ऑप्शन ए आपका सही है तो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन सही है कार्बन टेट्रा क्लोराइड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ थ्रेड ज़ यूज इन स्पिंडल ऑफ ये हमारा पूछ रहा है कि हमारे जो बेंच वाइज के स्पिंडल में कौन सी थ्रेड का यूज़ होता है तो हमारी जो बेंच वाइज होती हैं उसमें जो स्पिंडल लगा होता है उसमें कौन सी थ्रेड बनी होती है तो ऑप्शन ए है एक्मे थ्रेड ऑप्शन बी वी थ्रेड ऑप्शन सी स्क्वायर थ्रेड ऑप्शन डी नकल थ्रेड तो अब इसके बारे में भी मैंने बताया था कि जो पहले हमारी जो बेंच वाइज आती थी पुराने समय में तो पुरानी जो बेंच वाइज होती थी उसकी स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड होती थी उसकी स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड होती थी परंतु अब हमारी जो अपडेटेड जो बेंच वाइज आती हैं उसमें एक्मे थ्रेड होती है तो यहाँ पे हमारा जो राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए एक्मे थ्रेड ये राइट right आंसर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर टू का राइट right आंसर ऑप्शन ए एक थ्रेड क्वेश्चन नंबर थ्री विच मेटल इज जनरली यूज टू मेक हैमर तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैमर बनाने के लिए जनरली किस मेटल का प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन ए है माइल्ड स्टील ऑप्शन बी कास्ट आयरन ऑप्शन सी रॉट आयरन और ऑप्शन डी कास्ट स्टील तो हैमर पढ़ाते समय भी मैंने यह क्वेश्चन बताया रखा है तो हैमर जो होता है हमारा एक हार्ड मेटल का बना होता है चूँकि हैमर से हैमरिंग का काम करते हैं तो चूँकि वह उसकी मेटल जो है हार्ड मेटल की बनी होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई खरोच ना आए और वह टूटे ना तो जो हैमर होता है हमारा कास्ट स्टील का बना होता है कास्ट स्टील तो ऑप्शन डी हमारा सही है कास्ट स्टील तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थ्री का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कास्ट स्टील क्वेश्चन नंबर फोर वन डिग्री इज इक्वल टू तो वन डिग्री यानी एक डिग्री किसके बराबर होता है क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए है सिक्सटी सेकेंड ऑप्शन बी सिक्सटी मिनट्स ऑप्शन सी थ्री सिक्सटी मिनट्स ऑप्शन डी थ्री सिक्सटी सेकेंड तो जो एक डिग्री होता है जो एंगल मापने का जो यूनिट होती है डिग्री तो एक डिग्री में साठ मिनट होते हैं तो एक डिग्री में साठ मिनट होते हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साठ मिनट यानी सिक्सटी मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव ये बोल रहा है कि ऑफसेट स्क्राइबर इज़ इस यूज्ड टू ऑफसेट स्क्राइबर जो होता है कहाँ यूज़ होता है ये पूछा जा रहा है तो ऑफसेट स्क्राइबर जिस समय मैंने स्क्राइबर पढ़ाया था उसमें ऑफसेट स्क्राइबर बताया था कि ऑफसेट स्क्राइबर जो होता है वो हमारा कहाँ यूज़ होता है तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए वर्नियर कैलीपर ऑप्शन बी वर्नियर हाइड गेज ऑप्शन सी वर्नियर माइक्रोमीटर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो ऑफसेट स्क्राइबर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैलीपर वर्नियर कैलीपर में किसी प्रकार का कोई जो है स्क्राइबर यूज़ नहीं होता है और ऑप्शन सी वर्नियर माइक्रोमीटर में भी कोई स्क्राइबर यूज नहीं होता है ऑप्शन बी जो है वर्नियर हाइड गेज तो वर्नियर हाइड गेज का प्रयोग हमें मार्क लगाने के लिए प्रयोग होता है तो वर्नियर हाइड गेज में जो मार्क लगाने के लिए जो मार्क हमारा स्क्राइबर लगा होता है वो ऑफसेट स्क्राइबर होता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फाइव का हमारा राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी वर्नियर हाइट गेज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ चीजल तो ये इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक चीजल का प्रकार नहीं है ऑप्शन ए क्रॉस कट चीजल ऑप्शन बी राउंड नोज चीजल ऑप्शन सी बुल नोज़ चीज़ल ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीज़ल तो हमारा कौन सा एक चीज़ल का प्रकार नहीं है तो हमारा है राउंड नोज़ चीज़ल राउंड नोज़ चीज़ल कोई चीज़ल नहीं है जब मैंने चीज़ल पढ़ाई थी तो उस समय क्रॉस कट चीज़ल टाइप था बुल नोज चीज़ल जिसे काउ माउथ चीज़ल भी कहते हैं तो यह भी था और डायमंड पॉइंट चीज़ल यह भी था लेकिन राउंड नोज चीजल नहीं था तो राउंड नोज चीजल चीजल का कोई प्रकार नहीं है तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट right आंसर हुआ ऑप्शन बी राउंड नोज चीजल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन पर्शियन ब्लू इज यानी पूछ रहा है कि पर्शियन ब्लू क्या होता है तो जब मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स मैंने पढ़ाया था उस समय जब मार्किंग मीडिया बताई थी तो पर्शियन ब्लू भी उसमें से एक था तो पर्शियन ब्लू एक प्रकार का मार्किंग मीडिया होता है तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पर्शियन ब्लू एक मार्किंग मीडिया होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट डेटम लाइन इज आल्सो नोन एज तो डेटम लाइन को और किस नाम से जाना जाता है यह पूछा जा रहा है तो यहां पर ऑप्शन ए है सेंटर लाइन ऑप्शन बी आउटलाइन ऑप्शन सी रेफरेंस लाइन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो जो डेटम लाइन होती है जब भी हम मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करने के लिए एक डेटम लाइन बना लेते हैं यानी कि मार्किंग करने के लिए एक डेटम लाइन के जो एक रेफरेंस मान के डेटम लाइन को एक रेफरेंस मान के ही हम मार्किंग करते हैं तो इसे हम रेफरेंस लाइन बोलें या डेटम लाइन बोलें एक ही चीज़ है तो जो डेटम लाइन का एक दूसरा नाम होता है जिसे हम रेफरेंस लाइन के नाम से जानते हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर ऑप्शन सी रेफरेंस लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन वी ब्लॉक इज मेड ऑफ वी ब्लॉक किस मेटल से बने होते हैं वी ब्लॉक किसके द्वारा बने होते हैं तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑप्शन ए है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन ऑप्शन बी एल्यूमिनियम ऑप्शन सी माइल्ड स्टील ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो वी ब्लॉक जो कि बेलनाकार वस्तुओं को यानी बेलनाकार जॉब पर मार्किंग करते समय बेलनाकार जॉब को स्थिर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो जो वी ब्लॉक बना होता है वह क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर ऑप्शन ए क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टेन पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कौन सा है ये पूछा जा रहा है तो स्क्राइबर का पॉइंट एंगल जो होता है वो कई बार कोई क्वेश्चन आ चुका है या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा 12 डिग्री से 15 डिग्री तो जो स्क्राइबर होता है जो कि हमारे लाइनें खींचने के काम आता है मार्क uh, लगाने के काम आता है उसका जो पॉइंट एंगल होता है वो बारह डिग्री से पंद्रह डिग्री होता है तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल इज़ नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ तो जो फाइल का क्लासिफिकेशन होता है जब मैंने फाइल पढ़ाया था तो फाइल के क्लासिफिकेशन चार तरीके से होता है तो कौन सा जो है क्लासिफिकेशन uh, uh, नहीं है यह पूछा जा रहा है तो फाइल का क्लासिफिकेशन ग्रेड के अनुसार होता है साइज के अनुसार होता है कट के अनुसार होता है एंगल के अनुसार नहीं होता है तो यहां पे क्वेश्चन नंबर इलेवन का राइट right आंसर है ऑप्शन डी एंगल तो एंगल के अनुसार नहीं होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच प्रॉपर्टी लेट्स ए मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो मेटल की तार के रूप में बनाने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या कहते हैं यानी कौन से गुण के कारण मेटल के तार बनाए जा सकते हैं तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी मेटल का वह गुण होता है जिसके कारण जॉब के या मेटल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे चादर के रूप में बदला जा सकता है ऑप्शन बी डक्टिलिटी, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी ऑप्शन डी प्लास्टिसिटी तो ऑप्शन बी जो है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मेटल का वह गुण है जिसके कारण मेटल को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर तार के रूप में बदला जा सकता है तो यहां पर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का राइट right आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा तो राइट right आंसर हमारा ऑप्शन बी है और इसके अलावा जो इलास्टिसिटी होती है इलास्टिसिटी का मतलब होता है मेटल का वह गुण जिसके कारण मेटल के ऊपर जब वाह बल लगाया जाता है तो वाह बल के कारण मेटल में आए हुई डिफॉर्मेशन वाह बल हटा लेने के पश्चात डिफॉर्मेशन समाप्त हो जाता है मतलब कि वाह बल को जब हटाया जाता है तो मेटल अपनी पुनः वास्तविक स्थिति में आ जाती है इस गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं और प्लास्टिसिटी क्या होती है प्लास्टिसिटी में मेटल के ऊपर जो वाह बल लगाया जाता है यह वाह्य बल लगाने के फलस्वरूप मेटल के अंदर आए हुए आकार में परिवर्तन मे वाह बल हटा लेने के पश्चात मेटल अपनी पूर्व स्थिति में नहीं जाती है तो यह जो गुण होता है यह प्लास्टिसिटी कहलाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन द नट यूज टू फिक्सड ब्लेड इन हेक्सा फ्रेम इज़ नोन एज तो ये साफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो नट होता है उस नट को क्या कहते हैं जो कि फिक्स्ड ब्लेड इन हेक्सा फ्रेम तो हेक्सा फ्रेम में जो ब्लेड को फिक्स करने के लिए जो नट यूज होता है उस नट का नाम पूछा जा रहा है तो हेक्सा ब्लेड में जो नट यूज होता है जिसे टाइट करके जो ब्लेड को फिक्स किया जाता है उस नट को क्या कहते हैं तो ऑप्शन ए डोम नट ऑप्शन बी थम नट ऑप्शन सी विंग नट ऑप्शन डी कैजल नट तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विंग नट तो विंग नट इसे बोलते हैं जिसे जिसका दूसरा नाम फ्लाई नट भी है इसे कभी कभी फ्लाई नट भी बोल दिया जाता है तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का राइट आंसर ऑप्शन सी विंग नट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टीथ ऑफ हेक्सा इज नोन एज इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हेक्सा ब्लेड की जो टीथ होते हैं वो दो टीथों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है तो ऑप्शन ए है वॉल्यूम ऑप्शन बी वेलोसिटी ऑप्शन सी फील्ड ऑप्शन डी पिच तो दो तिथियों के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं या हेक्सा में हेक्सा के लेक्चर में मैंने यह बात बताया रखी है तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का राइट right आंसर है ऑप्शन डी पिच चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन तो मास प्रोडक्शन के समय कौन सी ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए है बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन ऑप्शन बी लीवर टाइप ड्रिलिंग मशीन सॉरी ऑप्शन बी पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन ऑप्शन सी पोर्टेबल टाइप ड्रिलिंग मशीन ऑप्शन डी गैंग ड्रिलिंग मशीन तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है कि मास प्रोडक्शन में कौन सी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं तो ऑप्शन डी गैंग टाइप ड्रिल मशीन तो जो गैंग ड्रिल मशीन होती है इसमें एक ही बेड पर कई जो हमारे स्पिंडल लगे होते हैं यानी एक ही बेड पर कई ड्रिलिंग मशीन लगी होती हैं जिसके द्वारा मास प्रोडक्शन में यानी बहुत ज़्यादा जब प्रोडक्शन होता है बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करते समय गैंग ड्रिल मशीन का ही प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फाइल इज मेड अप ऑफ यानी फाइल जो होती हैं जिसे हम रेती कहते हैं तो फाइल किस मेटल की बनी होती है ऑप्शन ए है स्टेनलेस स्टील ऑप्शन बी माइल्ड स्टील ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो फाइल जो होती है एक हार्ड मेटल की बनी होती है जिसे हम हाई कार्बन स्टील कहते हैं तो इस इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 द शेप ऑफ बीक इज एनविल इज लाइक मतलब जो एनविल होती है एनविल की जो बीक होती है वो किसके समान होती है ऑप्शन ए है कैमल ऑप्शन बी एलिफेंट ऑप्शन सी काउ हॉर्न ऑप्शन डी बटरफ्लाई तो ऑप्शन ए है ऊंट के समान ऑप्शन बी है हाथी के सामान ऑप्शन सी है जो गाय के सींग के समान और ऑप्शन डी है तितली के सामान तो राइट right आंसर हमारा है ऑप्शन सी गाय के सींग के समान ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा एनविल होता है एनविल की जो बीक होती है या राउंड शेप में होती है लेकिन टेपर होती है तो राउंड शेप में टेपर होती है इसलिए यह देखने में गाय के सींग के समान होती है इसलिए इसे हॉर्न भी कहा जाता है जो बीक होती है बीक का दूसरा नाम हॉर्न भी है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन द हेड ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज मेड ऑफ तो जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसका जो हेड होता है वो किस मेटल का बना होता है ऑप्शन ए कास्ट आयरन ऑप्शन बी माइल्ड स्टील ऑप्शन सी कॉपर ऑप्शन डी टिन तो जो सोल्डरिंग uh, आयरन होता है उसका हेड कॉपर का बना होता है इसका रीज़न है कॉपर की जो सुचालकता होती है वह सर्वाधिक होती है सुचालकता में यानी ऊष्मा या विद्युत के सुचालकता में कॉपर का दूसरा नंबर है इसलिए जो सोल्डरिंग आयरन का जो हेड होता है वो कॉपर का ही बना होता है तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट right आंसर है ऑप्शन सी कॉपर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 तो क्वेश्चन नंबर 19 है द साइड्स ऑफ सीट्स आर फोल्ड फोल्डेड टू मेक देम सेफ एंड स्ट्रोंग दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड इसका मतलब है कि जो साइड होती हैं जो शीट की जो साइड होती हैं उन साइड को जो फोल्ड करके फोल्ड करके उन्हें सेफ और स्ट्रोंग बनाया जाता है जो शीट्स होती हैं शीट्स के किनारों को यानी उनकी साइड्स को फोल्ड करके उन्हें सेफ और स्ट्रोंग बनाया जाता है तो इस जो फोल्ड बना रहे हैं इस फोल्ड को क्या कहा जाता है इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है तो ऑप्शन ए सीम ऑप्शन बी हेम ऑप्शन सी बैंड ऑप्शन डी रिब तो जो हमारे शीट के किनारे होते हैं इन शीट के किनारों को कुछ दूरी तक मोड़ दिया जाता है कभी कभी एक बार और कभी कभी दो बार भी मोड़ा जाता है तो इस तरह से इसे हम सिंगल सीम या डबल सीम कहा जाता है इसका पर्पज़ यह होता है कि जो शीट होती है वह किनारों से फटने का डर होता है और जो शीट के किनारे होते हैं वो शार्प होते हैं तो जो शार्प किनारे हैं इनसे हाथ कट सकता है तो इसलिए हम किनारों से मोड़ देते हैं ये जो फोल्ड होता है जो तो मोड़ मोड़ा जाता है इसे हम हेम कहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हेम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिलर मेटल ऑफ ब्रेजिंग इज यानी कि जो ब्रेजिंग प्रक्रिया हम करते हैं ब्रेजिंग प्रक्रिया में फिलर मेटल के रूप में किसे यूज करते हैं ऑप्शन ए है शोल्डर ऑप्शन बी स्वेल्टर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो जो हम ब्रेजिंग प्रक्रिया करते हैं ब्रेजिंग प्रक्रिया में जो फिलर मेटल यूज होता है यानी फिलर के रूप में जो यूज़ किया जाता है उसे हम स्फेल्टर बोलते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का राइट right आंसर है ऑप्शन बी स्पिल्टर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज मेजर्ड बाय विच गेज तो किस गेज के द्वारा यानी किस गेज से शीट की थिकनेस को पता करते हैं तो ऑप्शन ए है स्निप गेज यानी स्नैप गेज ऑप्शन बी फिलर गेज ऑप्शन सी वायर गेज ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो जो शीट की थिकनेस पता करते हैं शीट की थिकनेस हम स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा पता करते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन सी हमारा राइट right आंसर है स्टैंडर्ड वायर गेज यहाँ केवल वायर गेज लिखा है लेकिन है वही चीज़ तो स्टैंडर्ड वायर गेज जिसे हम एस डब्ल्यू जी बोलते हैं इसके द्वारा हम शीट की थिकनेस पता करते हैं और इसके द्वारा हम जो वायर होते हैं वायर की मोटाई भी पता की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द टूल यूज गिव सपोर्ट वाइल बेंडिंग शीट मेटल इज नोन एज मतलब कि वह टूल कौन सा है जिसका यूज बेंडिंग करते समय शीट को सपोर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए है फुलर ऑप्शन बी फ्लैटर ऑप्शन सी स्निप ऑप्शन डी स्टेक तो शीट मेटल में शीट को मोड़ते समय शीट के नीचे सपोर्ट के रूप में रखे जाने वाले टूल को स्टेक कहा जाता है स्टेक कई प्रकार से मिलते हैं यानी कई आकृतियों में मिलते हैं स्टेक्स तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू टु का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्टेक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री लेंथ ऑफ स्नैप हेड रिविट इज गिवन बाय द फॉर्मूला तो जो स्नैप हेड रिविट होता है इसका जो लेंथ व्यक्त करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है ये पूछा गया है ऑप्शन ए एल इज इक्वल टू टू डी अब यहाँ पे जो एल होता है एल का मतलब लेंथ और डी का मतलब जो है डायमीटर जो हमारा स्नैप हेड है इसके डायमीटर को डी से प्रदर्शित किया गया है और जो टी है या टी जो शीट की थिकनेस को प्रदर्शित कर रहा है ऑप्शन बी एल इज इक्वल टू टी प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डी ऑप्शन सी एल इज इक्वल टू टी प्लस वन पॉइंट फाइव डी ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो स्नैप हेड रिविट की लेंथ को बताने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वह होता है कैपिटल एल इज इक्वल टू कैपिटल टी प्लस वन पॉइंट फाइव डी तो इसमें एल लेंथ है टी थिकनेस है शीट की थिकनेस और जो डी है स्मॉल डी वह स्नैप रिविट का डायमीटर है तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का राइट right आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन डी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर दैट पार्ट ऑफ हैमर विच इज यूज फॉर स्ट्राइकिंग इज नोन एज मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हैमर का वह भाग जिसके द्वारा स्ट्राइकिंग की जाती है उस भाग को क्या कहते हैं यानी उस पार्ट को क्या कहा जाता है तो स्ट्राइकिंग करने वाले पार्ट को क्या कहते हैं तो ऑप्शन ए है पीन ऑप्शन बी फेस ऑप्शन सी चीक ऑप्शन डी आई होल तो स्ट्राइकिंग करने वाले जो जो सतह होती है जो स्ट्राइकिंग करने वाला पार्ट होता है हैमर का उस पार्ट को हम पीन कहते हैं पीन चूंकि जो फेस होता है फेस सभी प्रकार के स्पैनर इस, इस सॉरी सभी प्रकार के हैमर के जो फेस होते हैं वो तो फ्लैट ही होते हैं तो जो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए पीन होगा तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का राइट right आंसर है ऑप्शन ए पीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव दिस पार्ट प्रिवेंट द मोशन ऑफ माइक्रोमीटर स्पिंडल तो माइक्रोमीटर स्पिंडल का जो हमारा माइक्रोमीटर स्पिंडल के जो मोशन है वह इस स्पिंडल में प्रिवेंट मतलब कि रोकना तो माइक्रोमीटर के जो आ, मोशन होती है उसे रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं यह पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए है रैचेट स्टॉप ऑप्शन बी स्प्लिट इंटरनल थ्रेड ऑप्शन सी टेपर्ड नट ऑप्शन डी लॉकिंग डिवाइस और लॉक नट तो माइक्रोमीटर होता है माइक्रोमीटर में जो भी माप ली जाती है उस माप को लॉक करने के लिए हम लॉक नट का प्रयोग करते हैं या माइक्रोमीटर में लगा होता है तो इसे तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का राइट right आंसर है ऑप्शन डी लॉकिंग डिवाइस और लॉक नट जिसे हम लॉक नट के नाम से जानते हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का राइट आंसर है ऑप्शन डी अब इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा तो इस प्रकार से यह एम सीरीज़ आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो